I'm at one of the most haunted places in Gujarat. Camel. So the real game begins. हो गए हैं रात, फंस गया हूँ मैं. अंदर है अभी तो, बहुत अंदर है. काफी अंदर है. तो अभी फिलहाल मैं हूँ सचिन में और मैं प्लान कर रहा हूँ बस बीच जाने का. तो एक्सपेक्टिंग कि मुझे लिफ्ट मिल जाए. तो देखते हैं कब तक वॉक करना पड़ता है मुझे. तो मैं जो धुमस के लिए जा रहा था, मैंने अप्रॉक्सीमेटली शायद ये पिछले वाले लिफ्ट से 5 किलोमीटर कवर किया होगा. तो अभी भी बाकी है 16 किलोमीटर. देखते हैं कि लिफ्ट मिलती है कि नहीं. आई ट्राई माई बेस्ट कि मुझे लिफ्ट मिल जाए. पहले तो थोड़ा सा लिफ्ट में दिक्कत हो रहा था, बट आई गॉट द लिफ्ट. लेट्स सी नेक्स्ट. तो भैया मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ रहे हैं. काफ़ी विंड है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. तो भैया मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ रहे हैं, फिर देखते हैं वहाँ से लिफ्ट मिलती है कि नहीं मिलती. थैंक यू सो मच. ठीक है, टेक केयर, बाय. तो काफी मजा आया ब्रो. लाइक भैया तो 70-80-90 के स्पीड में चला रहे थे. मेरा बाल देखो यार, मेरा बाल खड़ा हो गया पूरा. तो मैं अभी हूँ सूरत के एयरपोर्ट पे. तो यहाँ का कुछ ऐसा व्यू. तो यहाँ से चलते चलते देखता हूँ फिर आगे धुमस के लिए मैं लिफ्ट लेता. सो दिस इज माई थर्ड लिफ्ट फ्रॉम सूरत एयरपोर्ट और मुझे इस बार लिफ्ट मिली है ट्रैक्टर में. तो आई गॉट द लिफ्ट फ्रॉम दैट ट्रैक्टर. तो ट्रैक्टर काफ़ी हिल रहा था तो मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाया. देखते हैं नेक्स्ट लिफ्ट कब मिलती है मुझे, क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ मैप में इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3.7 किलोमीटर्स धुमस बीच. और मैं चाह रहा था कि ऑलमोस्ट मैं 5:30 बजे तक पहुँचूँ, क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ पर फिर सन्नाटा जाता है तो फिर फ़ायदा नहीं होगा जाकर. एक और लिफ्ट मिली मेरे को धुमस बीच. ड्रॉप कर दोगे? अंदर है अभी तो, बहुत अंदर है. काफ़ी अंदर है. अच्छा ठीक है, उतार दो. थैंक यू भैया. तो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ, थैंक्स टू दिस भैया, इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया. मतलब इनका घर काफी पीछे था, फिर भी इन्होंने यहाँ पे पूरा मेरे को बीच तक लाकर छोड़े. तो मिलता हूँ, बाय. काफी सुना है इस बीच के बारे में, तो थैंकफुली मैं सही टाइम पर आया. लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पर. तो ये है कुछ ऐसा बीच. बीच काफी खाली खाली सी लग रही है. लाइक आई कैन सी द कैमरा. तो हम लोग वहां जाकर देखते हैं एक बार कैसा है. तो बीच काफी खाली खाली सी लग रही है. इस जगह की कुछ ऐसी हिस्ट्री है कि यहाँ पर थोड़ा सा जलने जलने सा स्मेल आ रहा है इस बीच से. और इस बीच का कुछ पुराना हिस्ट्री है. यहाँ पर पहले एक घाट हुआ करता था, यहाँ पे जलाए जाते थे लोग, मतलब मुर्दे को. तो टाइप की एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है यहाँ पे. जो भैया से मैंने लिफ्ट लिया था उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मोस्टली जो मछुआरे वगैरह रहते हैं तो उन लोगों ने ये चीज़, और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया. और आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जंगल देख रहे हो ना मेरे पीछे, इस जंगल के थोड़े से उस साइड पे एक ग्रेवयार्ड भी है. ठीक है, और वो दो रास्ते के बीच में ग्रेवयार्ड है. लिटरली गाइस, लिटरली यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ दूर दूर तक यार. देखो, और मैं यहाँ पर अकेला आ गया हूँ. तो गाइज यहाँ से उस साइड पड़ेगा. तो कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से, काफ़ी मतलब सऊदी अरेबिया उस साइड पड़ेगा और यहाँ पर ओमान पड़ेगा. मतलब ये ओशन को मैं पार करूँगा. आई एम एट वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन गुजरात. पर अभी टाइम हो रहा है 6:30 और अभी भी लाइट है यहाँ पर काफ़ी. Hauntness began from this side. वहाँ से ही शुरू होता है. That place is quite haunted. This side, यहाँ पे काफी crowd है.
can see the camel and horse. This part is haunted. Temple. Locals के द्वारा जिन्होंने बताया था कि वो temple के बाद ये सारा side is quite haunted. और ये साइड में ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड फोन की बैटरी ड्रेन हो रही है और 12% सिर्फ चार्ज बचा है. वापस से जाना है सचिन तो आई हैव टू सेव द बैटरी. थोड़ा सा ये लगा कि यार जो जहाँ पर हॉन्टनेस है वहाँ पर लोग ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो जो जहाँ पर मैं पहले गया वहाँ पर कम भीड़ था. तो गाइज एक्सप्लोर हम लोगों ने कर लिया है. ये ले लो लास्ट कुछ मोमेंट्स यहाँ के. तो मैं निकल रहा हूँ अब क्योंकि मुझे लिफ्ट लेकर वापस जाना पड़ेगा. ये लोग तो सब कार से आए ब्रो, कार से और बाइक से आए तो ये लोग के लिए इजी है जाना. मेरे लिए इजी नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं लिफ्ट मिलेगी कि नहीं क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट रोड भी अच्छा खासा दूर पे पड़ेगा. तो देखते हैं लिफ्ट मिलती है कि नहीं मिलती. सो द रियल गेम बिगिंस. हो गए हैं रात, फंस गया हूँ मैं. लिफ्ट वगैरह तो कुछ मिल नहीं रही है, लिफ्ट नहीं दे रहा है यार क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनसे मैंने बात किया था तो उन्होंने बताया था कि आपको लिफ्ट मिल सकती है, देर आर चांसेस, लेकिन रात के टाइम तो इम्पॉसिबल सा लगता है. तभी ऐसे ही लोकल्स में थोड़ा दूर के लिए मुझे लिफ्ट मिला था. आई एम एक्सपेक्टिंग कि सचिन तक मुझे लिफ्ट मिल जाए. लेट्स सी. एक भी गाड़ी नहीं रुक रही है. आई डोंट नो मैं कैसे पहुँचूंगा सचिन. अप्रॉक्सीमेटली नहीं करके तो 4 घंटा वॉक करना पड़ेगा सचिन के लिए क्योंकि यहाँ से 35 किलोमीटर है ब्रो और मैंने अभी शायद 4 किलोमीटर ही कवर कर पाया हूँ तो 31 किलोमीटर. लेट्स सी मुझे मिलता. आई होप फॉर द बेस्ट कि मुझे मिल जाना चाहिए. बीच को एक्सप्लोर करते करते मैंने मतलब काफ़ी चला हूँ यार. बीच भी 4-5 किलोमीटर से छोटा नहीं होगा तो अब तक मैं 15 किलोमीटर चल चुका हूँ. पता नहीं मुझे लिफ्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी. लेट्स सी. हेडिंग बैक टू सचिन और ये भैया ने मुझे लिफ्ट दिया है. भैया मुझे फोन कर जहाँ तक भी देते हैं. तो गाइज मैं अभी हूँ सूरत एयरपोर्ट में तो मेरा कुछ लुक ऐसा है. तो मुझे वहाँ से लिफ्ट दिया, मुझे लिफ्ट मिली नहीं रही थी तो रियली ग्लैड कि भैया ने मुझे लिफ्ट दिया. भैया मुझे आगे एयरपोर्ट तक लिफ्ट दे रहे हैं. मैं पहुँच गया हूँ. ये कुछ ऐसा व्यू है. तो यहाँ से मैं सचिन के लिए निकलता हूँ, भैया को करता हूँ बाय. काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्वीट है, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बोल रहे थे. तो अंकल ने मुझे दे दिया लिफ्ट. मैं जा रहा हूँ वहाँ से, फिर वहाँ से मैं आगे सचिन के लिए कंटिन्यू करूँगा. तो अंकल बाय बाय. गाइस जर्नी कंप्लीट होता है. थैंक यू भैया, थैंक्स. काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर तो मैं चलता हूँ. बाय बाय भैया.